हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग का स्टडी अच्छे से चल रहा होगा। तो देखिए, जिस चीज़ के लिए आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे वो इंतज़ार खत्म हो चुका है, यानी कि नेवी एमआर का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, दूसरी स्टेप कि आप लोग अब बोल रहे हैं कि सर आप जो बोले थे ई बुक देने के लिए कब तक दोगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले इस बुक का हम रिव्यू करेंगे कि इस बुक में खासियत क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या क्या इसमें मैंने दे रहा हूं आपको फैसिलिटी और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग से यही बोलूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और जैसे कि एक मैं छोटा सा अभी नोट्स दे रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, इंस्टाग्राम पे मैं दे रहा हूं, जाके उसको परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो देखिए, इस बुक में खासियत मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो देखिए, पहली चीज़ की मैं आपको बता दूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम को देखते हुए इस ई बुक को मैंने तैयार किए हैं। दूसरी चीज़, मल्टीपल चूज क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मैथ का, जीके का, साइंस का और करेंट अफेयर्स का। ठीक है, देखिए, मैथ में आपको मिलेंगे हर टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, जितने भी एमआर के सिलेबस के अनुसार है उसके अनुसार मैंने यहाँ पे मैथ के लिए तैयार कर दिया है। ठीक है, तो देखिए, इसमें लगभग 1000 क्वेश्चंस प्लस रहेंगे। दूसरी चीज़, जीके की बात करें, जीके में लगभग 3000, ठीक है, लगभग 3000 क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जीके में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स जो होता है वहाँ से भी, मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे, 3000 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, आइए यहाँ पे साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस में लगभग 2000 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे, विटामिन, एसआई मात्रक और डायमेंशन जितने भी होते हैं यहाँ से भी प्रश्न रहेंगे। तीसरी चीज़, देखिए, यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसी पे आपको मिल जाएगा, और अभी इसका कोई वीडियो नहीं जाएगा, इसका सिर्फ आपको पीडीएफ दिया जाएगा, वहाँ से आपको परचेज करना होगा, और सबका ही पीडीएफ ही परचेज करना होगा, किसी का बुक नहीं करना होगा, बस पीडीएफ जो होता है हम लोग उसको ही बोलते हैं ईबुक। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे आपको दे दूंगा लिंक, जाके आप लोग परचेज कर लीजिएगा, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाके परचेज कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, मैंने अभी डाल रखा हूँ। अभी एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ। चौथी बात कि देखिए, मैंने अभी एक छोटा सा ई बुक मैंने तैयार किया था और मैंने चेक कर रहा था कि क्या आप लोगों के पास सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसका प्राइस मैंने 10 रुपये रखा हूँ। तो देखिए, जो भी मैं आपको ई बुक का प्राइस रखूँगा उसको मैं एक दिन पहले क्लियर कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, तो 2-4-5-7 दिन वेट कीजिए उसके लिए, और बिल्कुल मत घबराइए कि हम ई बुक मेरे पास नहीं है तो हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो अभी तक आपका मैंने, तो देखिए, वीडियो तो अभी तो चालू रखा ही हूँ, तो वीडियो को अभी तब तक देखिए, उसके बाद जैसे ही ई बुक आएगा उसके बाद उसके अनुसार मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए, इसका जो प्राइस अभी मैंने डाल रखा हूँ 10 रुपये, उसमें लगभग 34 मतलब पेज है, और उसमें अभी आंसर नहीं मैंने डाल रखा हूँ। ठीक है, उसको मैंने क्या किया कि देखता हूँ कि कितने बच्चे लोग इसे खरीद पा रहे हैं और कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, इसके कारण ही मतलब कि मैंने उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ। ठीक है, तो जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं या परचेज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से एक कर सकते हैं। देखिए, परचेज करने से आपको फ़ायदा क्या है कि आप देख सकते हैं कि किस टाइप के सर ने क्वेश्चंस बनाए हैं, और मैं आपको भी बताऊंगा कि देखिए किस टाइप से क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाएगा एमआर के एग्जाम में, और मैंने खुद कैसे तैयार किए हैं। ठीक है, तो चलिए उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इसका ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से एक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, आप परचेज करेंगे तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ये सब पढ़ लेंगे, दूसरी बात कि यहाँ पे किस टाइप से सर क्वेश्चंस बनाए हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट 1, यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 मैंने पूरा तैयार कर रखा हूँ, देख लीजिए, यहाँ पे इस टाइप से मैंने आपको कम से कम जीके का कितना सवाल दूंगा, 3000 प्लस। अगर आप वन लाइनर याद करेंगे, मान लीजिए कि वन लाइनर भी हम बना देते वीडियो को, लेकिन क्यों नहीं बनाए, क्योंकि आप शायद याद करते करते थक जाएंगे, शायद याद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए, अब दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आप जो भी होगा एकदम मान लीजिए कि जो भी है आंसर कर दीजिएगा, फटाक दे याद हो जाएगा। अब वन लाइनर होगा तो आप याद करते करते थक जाएंगे, याद भी नहीं होगा और आप भूल भी जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि मैंने इस टाइप से क्वेश्चंस को तैयार किए हैं, और देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पे जो मैंने ये तो सेट बना रखा हो ना, ये आपके लिए सेट बना रखा हूँ, ठीक है, तो इस सेट को भी आप लोग देख लीजिए और आपका कितना इसमें मार्क्स आ रहा है ये भी बता दीजिए, और इसका आंसर मैं आपको 1-2 दिन में दे दूंगा। ठीक है, और नीचे चलिए, देखिए इस टाइप से मैंने आपको आपके लिए बना रखा हूँ, ये इस ई बुक को तैयार किए हैं, और आपको आगे चल के ये सब चीज़ें सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो बस 5-7 दिन तक वेट कीजिए, आपको इस टाइप से ही मिलेगी ई बुक, क्योंकि देखिए वन लाइनर मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर आप याद करेंगे,
भूल लेंगे फिर, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि अब मान लीजिए जितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन अगर आप याद करेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि जो भी होगा इसका सही आंसर फटा दे एकदम लगाइए और दिमाग में रखिए, नहीं मैंने तो टिक किया था इस क्वेश्चन को इतना ये आंसर होता था, तो आपका हो जाएगा ठीक है, ऐसे होता। अब मान लीजिए ऑटोमेटिक ये जो ATM है तो यहाँ पे भी आप मतलब वन लाइनर रहेगा तो ये तो बहुत आसान है तो याद कर पाएंगे, अगर ये इसी टाइप की अगर मान लीजिए फुल फॉर्म में बहुत बड़ा बड़ा है तो कैसे याद करेंगे। तो इसलिए आपके लिए मैंने इस सारे सुविधा को मतलब कि अच्छे से कर दिए हैं, और लगभग 3000 क्वेश्चंस यहाँ पे क्या चीज़ के लिए GK का दिया जाएगा, साइंस के लिए 2000 प्लस है, और मैथ के लिए 1000 है, और करंट अफेयर्स का जो है करंट अफेयर्स का है कम से कम इसका भी 2000 रहेगा ठीक है। तो आप लोग इसको परचेज कीजिए या नहीं भी कीजिए आप, मैं मेरे तरफ से ये कोई फोर्स नहीं है। और देखिए बहुत सारे बच्चे अभी परचेज कर लिए हैं, तो देखिए बहुत सारे कर रहे हैं कि सर अभी तो इसमें तो इतना ही क्वेश्चन है, आप मुझे ऐसे कर दिए वैसे कर दिए। तो देखिए जो अभी खरीदेगा अभी जो खरीद रहे लोग उसको 10% आगे चल के डिस्काउंट दिया जाएगा ठीक है, मतलब कि उसको अभी 10 रुपये लग रहा है तो 10 रुपये आगे चल के उनको कम देना होगा और क्या, यही ना आपको लगता हो कि सर ने हमको मतलब कि उल्लू बना दिया ऐसे कर दिया, तो देखिए आपको कुछ नहीं मैंने किया यार, इतना मेहनत किया तो आप 10 रुपये में कुछ नहीं है ठीक है, 10 रुपये में कुछ नहीं है, आप खरीद सकते हैं इसे और देख सकते हैं पूरा पूरा। और इसका जो भी हो देखिए इतना ही तक मिलेगा क्वेश्चंस आपको 2 तक ही, और इतना ही मैंने अभी तैयार किया था, उसके बाद इसको जल्द ही आपको 2 से मतलब 4-5 दिन 7 दिन में तैयार करके आपको मैं परचेज करवा दूंगा ठीक है। तो यही रहा ई बुक का खासियत, और आप लोग देखकर खुश हो गए होंगे शायद, और आप लोग इसे जाके परचेज कीजिए, और नहीं भी कर सकते मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं, और जो लोग परचेज किए हैं तो बस आप लोग घबराइए मत, ये मत सोचिए कि मेरा 10 रुपये डूब गया, ये सब मत सोचिए, और आपकी वो शायद आगे चल के 10 रुपये फ़ायदा ही दे देगा ये ठीक है, क्योंकि ये अगर नौकरी दे देगा तो 10 रुपये क्या यार, आप कम से कम 1000 रुपये भी मुझे दे सकते हो, लेकिन पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस एक लाइक की ज़रूरत है ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।